हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश को जो सोया प्रदेश कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में जो है इस समय सोयाबीन की फसल की जाती है बारिश के समय में। तो मित्रों, आज मैं सोयाबीन की फसल के खेत में खड़ा हूँ। एक क्या सारे खेत इधर मध्य प्रदेश में इस साल भारी उत्पादन में कमी देखने को मिली है। बारिश की जो कमी देखने को मिली और फिर अचानक तेज बारिश हुई, प्राकृतिक का जो प्रकोप रहा उसमें काफी सोयाबीन नष्ट हुई है। तो आप देख सकते हैं नजदीक से फसल कैसी है, बिल्कुल कोई भी इसमें फल नहीं है, अफलन जैसी स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार के जो पौधे हैं आपको खेत में दिख रहे हैं, पूरी फसल जो है बर्बाद है। कोई एक आधा फल है इसमें, तो उसमें भी बहुत कम दाने निकलेंगे या निकलेंगे नहीं, ऐसा है। तो ये जो है बहुत हल्की सोयाबीन है आप देख रहे हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि इस साल जो है सोयाबीन के भारी उत्पादन में कमी आएगी और सोयाबीन के जो रेट है वो काफी देखने को मिलेंगे इस वर्ष। ऐसी जो एक दो फली, चार फली कुछ है इसमें, इस प्रकार का दाना निकल रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में काफी जगह ऐसी है जहां पर सोयाबीन के उत्पादन में बहुत काफी गिरावट हुई है, यानी कि 0% के, कहीं कहीं 0% में। जिस खेत में आपको ये वीडियो बता रहा हूँ वहां पर तो सिर्फ 0% ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें मुश्किल से जो है इसमें किसान ने जो भी फसल बोई थी, जो बीज बोया था, वो बीज भी इसमें से मेरे ख्याल से तो नहीं निकल सकता है। देख लीजिए आप किस प्रकार की जो सोयाबीन है। तो उत्पादन में काफी गिरावट आएगी और मित्रों, मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि मेरा अनुभव से कह रहा हूँ पूरा, कि इस साल जो है सोयाबीन की जो फसल के जो रेट है वो काफी बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जहां पर भी उत्पादन हुआ है, जहां पर भी किसान भाइयों ने अच्छी फसल ली है सोयाबीन की, कोई कोई क्षेत्र ऐसे होंगे कि जहां पर 3 से 4 क्विंटल बीघे की सोयाबीन हो चुकी होगी, तो वहां के किसानों से अनुरोध है कि आप थोड़ा स्टॉक करें, थोड़ा रुके ताकि आपको अच्छा रेट मिले। जहाँ तक हो सके उतना सोयाबीन की फसल आप रोक के रखें तो आपको अच्छा जो है रेट मिलने वाला है इस साल, क्योंकि सोयाबीन का जो प्रदेश है, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, यहाँ पर काफ़ी उत्पादन में गिरावट इस साल देखने को मिलेगी। तो जहाँ सोयाबीन की फसल से तेल मिले, जो सोयाबीन खरीदती है, तेल निकालती है, वह उनकी भी लेवाली बहुत अधिक रहने वाली है इस साल। वहीं बीज के लिए कृषकों को भी काफ़ी दिक्कत आने वाली है जहां पर भी फसल खराब हुई। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है इस वीडियो में यही था कि आप थोड़ा सा स्टॉक करके रखें, क्योंकि इस साल आपको सोयाबीन में काफ़ी उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है। तो किसान मित्रों, मेरा इस सोयाबीन की फसल के ऊपर से थोड़ा सा एक छोटा सा मार्गदर्शन एवं ये वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की, आपको अवश्य पसंद आया होगा। किसान मित्रों, वैसे तो बहुत दुख की बात है कि सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हमारे किसान भाइयों की खराब हो चुकी है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में भगवान कभी भी हमारे किसान भाइयों को इस प्रकार की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन भाई, प्रकृति के आगे सब कुछ फेल है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर कहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अगर सोयाबीन का जो स्टॉक करना चाहते हो तो कर सकते हैं, और आप आने वाले समय में काफ़ी जो भाव रहेंगे वो बहुत तेज बिकने लगेंगे सोयाबीन के। तो इसी के साथ वीडियो मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।